गुड मॉर्निंग एवरी वन, नाउ स्टार्ट योर न्यू लेसन। मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आज की जो पंक्तियां हैं, ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि कोशिश जो है हमेशा करनी चाहिए, तलवार की धार पर चलने की आदत डालो, ज्वालामुखी की ढलानों पर अपने घर बनाओ, अपने जहाज़ों के रुख समुद्री तूफानों की ओर मोड़ दो। कहने का अर्थ है कि जो ये हैं चीज़ें जो हैं ये कभी भी संभव नहीं होती है, लेकिन मनुष्य यदि कोशिश करता है तो वो तलवार की धार पर भी चलने का जज्बा रखता है। ज्वालामुखी जहाँ से लोग गुजरने से डरती हैं, अगर हौसले बुलंद हो तो वहाँ पर भी अपना आशिया बना सकते हैं। कहते हैं जहाज़ों का रुख समुद्र की विपरीत दिशा में जहाज भी पलट जाते हैं, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो ये तूफानों को भी मात देते हैं। तो जीवन जो है इन्हीं संघर्षों का नाम है, और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ये चैप्टर जो है पूर्वा से लिया गया है, जो अज्ञेय का काव्य संग्रह है। इसमें कवि ने बताया है कि जीवन जो है केवल सुखों का नाम नहीं है, कि केवल हम सुखों का संचय करते रहें और कहें कि यही जीवन है। जीवन वास्तविक संघर्षों और कष्टों को सहते हुए अपनी परिस्थितियों को, जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनको भी जो अनुकूल कर दे, इसी को कहते हैं जीवन। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बनी। दुर्धर माने होता है कठिन। तो कवि कहते हैं कि जो मैं हूँ, मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ, मेरी ये कदापि इच्छा नहीं है कि ये संसार जो है मेरी कठोरता, मेरे संघर्षपूर्ण, जो मेरा केवल संघर्ष है, इस जीवन की गति के अनुकूल बने। मतलब मेरे अनुसार ये जीवन ना चले, संसार जो है, मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन की जो कठोर गति है, संघर्षमय गति है, इसके अनुसार जो है जीवन कदापि ना चले। मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। जीवन मरु माने होता है रेगिस्तान, ठीक है, जीवन जो है रेगिस्तान के समान ना। नंदन कानन, नंदन माने होता है देवताओं का जो है वृक्ष या देवताओं के उद्यान, उनको बोलते हैं नंदन कानन के फूल बने, कहते हैं देवताओं के फूल बने। तो कवि यहाँ पर संबोधित कहते कहते हैं कि मुझे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना ही मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि जो मेरा जीवन रूपी सुख है, जो मेरा जीवन रूपी सुख जो है वो सूखा रेगिस्तान है। मतलब जो जीवन में सुख होते हैं वो आता होते हैं, लेकिन जीवन रूपी सुख में जब दुख आता है तो ये रेगिस्तान के समान हो जाते हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान जो है वो नंदन कानन का फूल बने, देवताओं के बगीचे और जंगल जो हैं, जो वृक्ष हैं उनके पुष्प बने। तो कवि संबोधित करते हुए कहता है मुझे जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा जीवन रूपी सूखा रेगिस्तान जो है उसमें देवताओं के उद्यान मतलब बगीचे, उपवन या उनके कानन मतलब फूल बने। मतलब मेरे जीवन में ऐसे देवता रूपी पुष्प ना आए या कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों से महके। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है।
कवि कहते हैं कि कांटा जो होता है ये कठोर होता है, बहुत दर्दनाक होता है, जिसको चुभ जाता है उसके हृदय में वेदना उत्पन्न कर देता है। तीखा है मतलब चुभना, उसमें उसकी मर्यादा है। कहते हैं कि कांटे की उसी में उसकी मर्यादा है, क्यों? क्योंकि प्रकृति में हर चीज निर्धारित है। कांटे की भी अपनी विशेषता है कि जिसके हृदय में चुभ जाता है या जिसके अंग में लग जाता है उसके अंग को छलनी कर देता है, इसी में उसकी मर्यादा है, अर्थात यही उसकी वास्तविकता है। इसी तरह जीवन जो है कष्टों के समान है, तीखा है, मतलब जब जीवन में कष्ट पड़ते हैं तो उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है कि मनुष्य जीवन के संघर्षों से, कांटों से भी सीखता है। तो लेखक यहाँ पर स्पष्ट करते हैं जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता जो है उसके कठोर और नुकीलेपन में होती है, उसी प्रकार जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित होती है। मतलब मनुष्य जो है वो जीवन की मर्यादा भी उसके दुखपूर्ण होने में निहित है। कहते हैं कि सुख और दुख का जीवन चक्र जो है वो चलता ही रहता है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बनी, तो कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूं, इसलिए मैं या नहीं चाहता हूं कि मेरा कांटे रूपी जीवन जो है वो अपनी कठोरता और तीखेपन को छोड़कर प्रांतर माने जो क्षेत्र होता है, मतलब खेत वगैरह या वनों का उद्यान बगीचा। तो कहता है कि मैं कब चाहता हूँ कि मेरा कांटे रूपी जो तीखा जीवन है वह घटकर मतलब कम होकर किसी कानन मतलब किसी सुंदर क्षेत्र का तुच्छ, उच्छ माने तुच्छ, जिसकी कोई कीमत ना हो, मूल्य ना हो, ऐसा फूल मैं बनूं। तो कवि कहते हैं कि मेरी एक कदापि इच्छा नहीं है कि मेरा जो जीवन है जो कांटों के समान कठोर और नुकीलापन है उस वो अपनी कठोरता अर्थात अपने संघर्ष को छोड़कर वन का या क्षेत्र का तुच्छ या संकीर्ण फूल बने। मैं कब कहता हूं मुझे युद्ध में कहीं ना तीखी चोट मिले, तो कवि कहते हैं कि यह जीवन जो है कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध है। तो कवि ने यहाँ पे तुलना की है कि मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जीवन जो है एक युद्ध के समान है, जिस प्रकार युद्ध में हार और जीत निश्चित होती है उसी तरह मैं इस जीवन रूपी युद्ध में ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे तीखी चोट मिले, अर्थात मेरे जीवन का जो संघर्ष है उससे मुझे वेदना ना हो। क्योंकि कहते हैं जीवन जब आता है और जीवन में जब संघर्ष आता है, तकलीफें आती हैं, मनुष्य चोट खाता है, तो वो अवश्य ही कुछ उसे सिखाकर जाता है। कहने का अर्थ है कवि कहते हैं कि ये जीवन जो है कभी ना समाप्त होने वाला युद्ध है, इसमें जब तक पीड़ा नहीं होती, तीखी चोट मतलब जब तक इस जीवन रूपी युद्ध में दर्द नहीं होता है, भाव नहीं होते हैं, संवेदना नहीं होती है, तब तक जो है जीवन जीने का भी कोई आनंद नहीं है। मैं कब कहता हूं प्यार करूं तू, क्या प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। तो कहते हैं कि यदि मैं किसी को प्यार करूं, कवि कहते हैं कि मैं कब कहता हूं कि मैं अगर किसी व्यक्ति से प्यार करूं, मैं किसी से प्रेम करूं तो वो भी मुझे प्राप्ति की ओट में मिले। कहते हैं कि उसका प्रतिफल जो है मुझे भी प्रेम मिले। मनुष्य की जिज्ञासा होती है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी मुझसे प्रेम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो कवि कहते हैं कि मैं दुनिया से प्रेम करता हूँ, दुनिया के लोगों से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं यदि मैं किसी को प्यार करूँ तो उसके बदले में मुझे इस जीवन युद्ध में कभी कोई जग मेरी यह इच्छा है कि यदि मैं किसी को प्यार करूं तो उसके बदले में मुझे भी प्यार मिले अथवा उपहार के रूप में मुझे उसका प्रतिफल
प्राप्त हो। ओट माने होता है तरफ। क्या कवि कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं यदि किसी से प्यार करूं तो उसके मूल्य में या उसके पक्ष में उसके प्रभाव में मुझे भी प्रतिफल में प्यार मिले। मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने। तो कवि कहता है कि लोग जो है जब जीवन में संघर्ष करते हैं तो उनकी यही इच्छा होती है कि वो विजयी हो, मतलब विजयी विश्व हो, मतलब विश्व में अपना परचम लहराएं। तो कवि कहते हैं कि मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं विश्व विजेता बनूं, अर्थात और सारा संसार जो है। प्रसाद माने होता है महल, एक जानते हैं एक मंदिर, ठीक है। तो कवि कहता है कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं विश्व विजेता बनूं और मेरा जो ऊंचा प्रसाद मतलब मंदिर या महल बने, मतलब मेरे नाम से कोई शिलान्यास ना हो। कि यह पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। तो पात्र माने होता है योग। तो कवि कहते हैं कि मैं ये कामना नहीं है कि मैं इतना, श्रद्धा माने होता है जो सम्मानित हो जाए, ठीक है। कवि कहते हैं कि मेरी यह कामना नहीं है कि इतना मैं वैभव संपन्न हो जाऊं, मतलब लोग मुझे इतनी श्रद्धा की नजरों से देखने लगे, मेरी धुंधली सी याद बने। कहते हैं कि जब मैं चला जाऊं तो लोग मुझे स्मृतियों में कभी कदार याद रखे, मैं ऐसा भी बनना नहीं चाहता हूं। कहने का तात्पर्य मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि लोग जो हैं मेरे नाम पर, मेरी सुंदरता के नाम पर मेरा किसी तरह से मेरी स्मृतियों को याद करें। कहने का अर्थ है कि मेरी इच्छा यह है कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे लोग मुझे अपने हृदय में स्मृति रूप में रखें, ना कि सिर्फ मैं एक महान पुरुष बनकर रह जाऊं। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे। कहते पथ मेरा रहे प्रशस्त। कवि यहाँ पर अब अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं जो हूँ मैं कोई ऐसा महान कार्य कर जाऊँ कि सारा विश्व जो है मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखे, मतलब मैं ऐसे मार्ग को प्रशस्त करूँ, ऐसे श्रेष्ठ मार्ग। पथ माने मार्ग और प्रशस्त माने श्रेष्ठ। कवि कहता है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ पथ मेरा या प्रशस्त सदा क्यों विकल करे या चाह मुझे। तो कवि कहते हैं कि मेरी यह इच्छा है कि मैं मेरा जीवन मार्ग जो है वो सदैव श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण हो। विकल मतलब बेचैन, सदा क्यों विकल करे। कहते हैं कि मैं ऐसे मार्ग के लिए चिंतित हूँ कि मैं कुछ श्रेष्ठ और महान कार्य कर सकूँ जिससे क्या हो मेरा जीवन मार्ग जो है वो सदैव के लिए हमेशा के लिए इस दुनिया पर राज्य करता रहूं। मतलब मैं कुछ ऐसे मार्ग का प्रशस्त करूं जिससे जीवन में लोग मुझसे प्रेरणा ले सके और मैं धुंधली सी याद बनूं और मैं जो हूँ लोगों की स्मृतियों में नहीं बल्कि उनके कार्यों में, मतलब अपनी कार्यशैली के द्वारा मैं याद किया जाऊं। नेतृत्व ना मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। नेतृत्व माने होता है नेता या मार्ग। तो कवि कहते हैं कि मेरा यह नेतृत्व मुझसे ना छीने, मतलब मुझसे ना छीने, मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है। लोग जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि मनुष्य जो है पद के लिए, औहदे के लिए दिन रात संघर्ष करता है और उसके मन में एक डर बना रहता है कि ये पद और औहदा मेरा ना छिन जाए। तो वत्सयन अज्ञेय जो है कवि कहते हैं कि मेरी जीवन में यह भी इच्छा नहीं है कि मैं जो नेतृत्व कर रहा हूँ, जो मार्गदर्शन लोगों का कर रहा हूँ, कहीं इसका स्थान अन्य कोई ना ले ले। ओके, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो देख के
अच्छे से समझ के और इसे शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। और जब आप लोग कोई कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे या यूट्यूब सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, तो उससे ये पता चलता है कि वीडियो अच्छी बनी है, आपको क्लेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई चीज़ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दिया करिए और वीडियो शेयर कर दीजिए करिए, जिससे ये होगा कि जो बच्चे हमारे 9th से इंटर तक के हैं उनको भी पूरा यूपी बोर्ड का हिंदी का सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस बाई शालिनी सिंह उस पर मिल जाएगा और इससे काफ़ी लोगों का लाभ भी होगा, ठीक है। गुड बाय।